मुझे आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग एक व्यक्ति के जीवन का विकास कैसे हो, उसका व्यक्तित्व विकास कैसे हो, मनुष्य अपने में पूर्ण कैसे बने, इन सब बातों को लेकर के हम अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समस्याओं पर विचार कर रहे थे। और इसी श्रृंखला में आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं, और वो विषय है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी लोग बात करने से कतराते हैं, इस विषय पे ज्यादा डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, जबकि मुझे लगता है कि अन्य विषयों की अपेक्षा इसी विषय पर सबसे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए, बहुत संतुलित रूप से होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि वर्तमान का जो वातावरण है, हमारे भारत का ही जो वातावरण हो गया है, उसमें ऐसा लगता है कि लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय की धज्जियां उड़ा दी। लोग ये सोचने लगे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाखंड है, बेकार की बात है, दकियानूसी बात और ये हमारे काम का नहीं है। इसके दुष्परिणाम भी भुगतते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये एक गहरा विषय और इसके दुष्परिणामों पर मैं इस दृष्टि से भी बात करना चाहता हूं कि जिन धार्मिक लोगों ने ब्रह्मचर्य की चर्चा की, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य को बहुत विकृत किया है, और इस कारण से भी लोग इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। हम लोग ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। यदि हम इसके सच्चे स्वरूप को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। अभी रूढ़ी से इस दुनिया में किसी को ब्रह्मचारी कह दें तो उसके दो तीन अर्थ होते हैं कि या तो इसने शादी नहीं की है, या इसकी शादी हुई नहीं है, या ये साधु बनने वाला है। दो चार बातें कि ये दीक्षा लेने वाला है और ये संन्यास ले लेगा, दो तीन तरह की बातें ही दिमाग में आती हैं। और ऐसा लगता है कि जो एक आम इंसान है उसके जीवन में ब्रह्मचर्य जैसी कोई बात ही नहीं। इस धारणा से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन का एक बहुत, माने मैं ये मानता हूं कि हमारे जीवन के व्यक्तित्व निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, वो हमसे वंचित हो गया और हम समझ ही नहीं पाए। या तो हम ब्रह्मचर्य के मामले में या तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, या बिल्कुल स्वच्छंद हो जाते हैं, भोगवादी हो जाते हैं। दोनों स्थितियां खराब हो जाती हैं। एक बार एक महात्मा ने एक बात कही थी कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से स्वर ही ना निकले। अब ये हमको तय करना है कि उसको कितना कसना है और कितना ढीला छोड़ना है। संगीत बजना चाहिए, उसमें से आनंद आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से अति हो रही है। एक वो वर्ग है जो ब्रह्मचर्य के प्रति इतना कठोर रवैया अपना रहा है कि उसने इतने ज्यादा तार कस दिए हैं कि वो तार टूट गए, उस वीणा में से संगीत आ ही नहीं रहा है, उसकी संभावना खत्म हो गई। और एक वो वर्ग है जो इतना अधिक स्वच्छंदी, इतना अधिक व्यभिचारी हो गया है कि उसने वीणा के तारों को इतना ढीला छोड़ दिया है कि उसमें से भी संगीत नहीं आ रहा। मेरे विचार से इस विषय पर बहुत संतुलन की आवश्यकता है और हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बहुत हल्का विषय नहीं है।
और मैं तो चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में, स्कूलों, कॉलेजों में, जब सेक्स एजुकेशन की बात चल रही है आज के समय में, कंपलसरी सेक्स एजुकेशन देना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे तो एजुकेशन तो वो दूसरे अन्य माध्यमों से प्राप्त कर ही रहे लेकिन रॉन्ग वे में करें, इसलिए, और पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, इस कारण से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए सेक्स एजुकेशन की चर्चा चल रही है और कई जगह प्रारंभ भी किया गया है कि एक इस विषय पर लोगों को लिटरेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, और इसके बारे में गलत जानकारी होने से लोग भटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरा उसमें ये भी सुझाव है कि आप सेक्स एजुकेशन का सिर्फ ये अर्थ न लगाएं कि यौन संबंधी वो ही शिक्षा दें जो भोगों को बढ़ावा देने वाली, बल्कि उस सेक्स एजुकेशन में भारतीय संस्कृति का ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है उसके महत्व को भी रेखांकित किया, और उसके बारे में भी डिबेट की जाए, उसके बारे में भी हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बिल्कुल खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाए। इसलिए आज हम इसी विषय पर कुछ विशेष बिंदुओं के तहत आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रह्मचर्य माने होता क्या है। एक सीधा सीधा अर्थ आता है कि शादी नहीं करना, ये ब्रह्मचारी, कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, ये ब्रह्मचारी। ये तो बहुत स्थूल परिभाषा हुई, माने बहुत हल्की बात रही, लेकिन गहरी बात उसमें ये है, यो ब्रह्मणि चरति, जो ब्रह्म में चरण करता है। ब्रह्म का अर्थ होता है अपनी शुद्ध आत्मा, अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव। और जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं तब हम ब्रह्मचारी, और हमारा स्वभाव शुद्ध स्वरूप है, हम विकृत स्वरूप नहीं है। जब हम सहज अवस्था में रहते हैं तब हम ब्रह्मचारी रहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी, किसी भी तरह का व्यक्ति होगा, वो 24 घंटे हिंसक नहीं रह सकता, अधिकतर समय उसका शांति में ही व्यतीत होता है। 24 घंटे कोई गुस्से में नहीं रह सकता, इसी तरह 24 घंटे कोई कामुक नहीं रह सकता, ये एक विभाव परिणति है, लेकिन वो अंत में अपने स्वभाव में आता है और ब्रह्म में चरण करता है, यानी अपने स्वभाव में चरण करता है। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी शुद्ध आत्मा में रमण करता है, वास्तव में वो ही ब्रह्मचारी है। उसका एक व्यवहारिक अर्थ में ये बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा जैसी चर्या, भगवान की तरह रहना, परमात्मा की तरह रहना। अब आप सोचो परमात्मा कैसे रहते हैं, परमात्मा का अर्थ क्या है? मैंने पिछले अपने व्याख्यानों में बताया है कि ये आत्मा ही तीन स्तरों में काम करती है, जैसे मैं हूं, मेरी आत्मा है, ये तीन स्तर पे, एक तो बहिरात्मा है और एक अंतरात्मा है, और फिर जब और ऊपर उठ जाते हैं तो परमात्मा हो जाती है। तो जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन को समझता है, उसको अनुभूत करता है, वो ब्रह्मचारी। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंद्रिय और अतींद्रिय के महत्व को समझें। जो चीज अपने स्वभाव में रहती है वो ब्रह्म में रहती है। ब्रह्म का अर्थ होता है स्वभाव में रहना। जैसे अग्नि उष्णता में रहती है, माने अग्नि गर्माहट के अंदर रहती है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका ब्रह्मचर्य है। आप बात को समझिए, अतींद्रिय तत्व यानी आत्मा जो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, उसको पकड़ने के लिए अब्रह्म सेवन की आवश्यकता नहीं, उस अतींद्रिय तत्व को जानने के लिए अतींद्रिय तत्व में ही डूबना पड़ेगा। खुद को जानने के लिए खुद से दूर नहीं भागना पड़ेगा, खुद में डूबना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति खुद में डूब जाता है, और वही व्यक्ति खुद में डूब सकता है जो जितेंद्रिय हो गया है। अगर उसकी चेतना इंद्रियों में ही भटक रही है तो वो कभी अतींद्रिय तत्व को समझ ही नहीं सकता, और बिना अतींद्रिय तत्व को समझे
ब्रह्मचर्य ढोंग है, एक दिखावा है। व्यक्ति बाहर से बहुत कठोर हो जाता है लेकिन उसने अतींद्रिय तत्व को जाना ही नहीं, उस ओर वो झुका ही नहीं, इसलिए उसका ब्रह्मचर्य एक पाखंड की तरह सामने आता है, क्योंकि उससे जो घटित होना चाहिए था वो उसके अंदर घटित नहीं हुआ, जो उसको आनंद आना चाहिए था वो आनंद नहीं आया, अभी भी उसको भोगों में ही आनंद दिखाई दे रहा है भले ही वो ब्रह्मचारी। इसीलिए कई कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, कई साधुओं के भी अप्रिय प्रसंग सुनने में आ जाते हैं। इस संसार में जितने साधु हैं उनके कई अप्रिय प्रसंग सुनने में आ जाते हैं, अब्रह्म के प्रसंग सुनने में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने बाहर से तो इंद्रियों को दमित करने की कोशिश की है लेकिन अंदर के आनंद को अभी जाना नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया है, वो अभी सम्यक दर्शन की श्रेणी पर भी नहीं आ पाया, इसलिए वो स्खलित हो रहा है, क्योंकि बाहर से अगर दमन किया जाएगा तो एक दिन वो विस्फोटक रूप लेकर ही रहता है। हमारा जो जीवन है वो कषायों से संचालित होता है, ये बात थोड़ी कठिन लग रही है लेकिन वास्तविकता है, और जो कषाय से रहित हो जाते हैं वो तो आत्मस्थ हो जाते हैं, लेकिन ये जो संसार निभाना है वो कषायों के माध्यम से ही, किसी की कम कषाय है किसी की ज्यादा है, किसी के अंदर क्रोध मान माया लोभ कम है किसी के अंदर ज्यादा है, तो इसके अनुसार ही सारे के सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग विचार भी करते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं कहते हैं क्रिया करते हैं। तो जब हम कषायों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो विस्फोट का रूप धारण कर सकते हैं, वो ज्वालामुखी बनकर प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी भी बहुत शांत होता है, आपने देखा हो, कोई समझ नहीं सकता इसके अंदर लावा होगा, और एक हिमालय भी शांत है, हिमालय पर्वत भी बहुत विशाल है शांत है लेकिन उसके अंदर लावा नहीं है, और ज्वालामुखी का पर्वत भी बहुत शांत दिखलाई देता है लेकिन उसके अंदर लावा होता है, वो लावा बहुत सदियों के दबाव के बाद वो विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य के दिन मैं ये इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि वासना को बहुत अधिक दबाना भी नहीं चाहिए और उससे दबना भी नहीं चाहिए, इस चीज का संतुलन एक गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए। अगर आप वासना को बहुत अधिक दबाएंगे तो वो विस्फोटक रूप धारण करेगी। तो क्या करना चाहिए? वासना से दबना भी नहीं चाहिए, वो वासना हमारे ऊपर हावी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम अपने आप पर नियंत्रण खो दें और वो वासना हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे चित्त पर हावी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। धर्म शास्त्रों में हमारी प्राचीन पद्धति में वासना को दबाने के लिए कभी नहीं कहा गया, कहीं पर भी नहीं कहा गया, मैंने सारे शास्त्रों को देख लिया लेकिन कहीं भी नहीं कहा गया, वहां कहा गया है कि आप उस स्थिति में आ जाइए जब वासना उत्पन्न ही ना हो, यानी वासना का अभाव, वासना होगी और उसको दबाया जाएगा तो उतने ही वेग से प्रकट हो जाएगी, इस मनोविज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ब्रह्मचर्य के दिन इसकी चर्चा कर रहा हूं कि प्रायः लोग इस तरह की चर्चा करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यदि चर्चा नहीं की जाएगी तो बात सामने कैसे आएगी, और अगर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण कैसे कर पाएंगे, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और उसको प्रयोग में भी लाने की आवश्यकता। हम किस चीज के पीछे पागल हैं, किस चीज के पीछे दीवाने हैं? आपको लगता है अभी पिछले कुछ, मुझे लगता है लगभग 50-60-70 सालों में बहुत भयंकर परिवर्तन आया भारत के अंदर, अगर आपको इस परिवर्तन को देखना है तो आप फिल्मों के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि हमारी जो फिल्में होती हैं वो 10 वर्ष एडवांस चलती है, जो हमारा जो सामान्य समाज है उसमें जो विकृति आनी है वो फिल्मों में दिखलाई दे रही है कि 10 साल बाद समाज ऐसा होने वाला है, और आप जो विकृति 10 साल पहले नहीं थी आज दिखलाई दे रही है, लेकिन 10 साल पहले की फिल्मों में वो स्पष्ट दिखलाई दे रही है। आप देखेंगे एक समय था जब
फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि जो नायक होता है, हीरो होता है, वो बड़ा सज्जन होता था, पढ़ने लिखने वाला होता था, कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है और बड़ा गरीब किसी तरह मैनेज कर रहा है, ईमानदार व्यक्ति है, भोला है, और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जो अमीर घर की लड़की है, वो सभी लड़कों को दरकिनार करके उस लड़के को पसंद करती है जो बहुत पढ़ाई में होशियार है और बहुत अच्छा जिसका चरित्र है उसको पसंद करती है। बाकी के सभी बदमाश लड़के उसको देखते रह जाते हैं लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और उनका प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। गरीब अमीर का वहां पर एक समन्वय भी दिखलाया जाता है। तो ये पिछली मुझे लगता है 70-80 के दशक में जो फिल्में आती थी वो इस तरह की कहानियां बनती, और फिर एक दौर चालू हुआ कि जब अब नायक चरित्रवान नहीं होता है, अब नायक सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। नायक वो है जो सिगरेट पीता है, नायक वो है जो शराब पीता है, और नायक वो है जिसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, जो सिर्फ फैशन में रहता है। आप देख रहे हैं हीरो का, हीरो किसको कहते हैं? हीरो माने एक आदर्श, लेकिन एक आदर्श किस रूप में उसका चरित्र हनन हो रहा है। तो और जो फिल्मों में जो लड़की है, जो नायिका है, वो जो पढ़ने में तेज है उसको दब्बू समझती है, उन लड़कों को बेवकूफ समझती है, और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर जिनके आचरण अच्छे नहीं है उन लड़कों को वो पसंद करती है। तो ये चीज हमारी समाज में एक ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरह की, चरित्रहीनता का प्रशिक्षण दिया जा रहा, और जिस तरह के समाज का निर्माण हमारे सामने हो रहा है या हम लोग देख रहे हैं उसकी परिणति भविष्य में क्या होनी है सबको पता है, लोग भोग भी रहे हैं लेकिन उसका महत्व तो नहीं समझ रहे। इसलिए भी आज हमको ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे अगर हम धर्म ग्रंथों में देखें तो हमने कई तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी, इस कारण से लोग धर्म ग्रंथों से भी दूर हो। ये कहा गया कि जो ब्रह्मचारी है उसके रिस्ट्रिक्शंस इतने अधिक बना दिए गए कि लोग ब्रह्मचर्य से घबराने लगे, और ये शास्त्रों में नहीं है, हमने व्यवहारिक जीवन में इस तरह के बनाए। मैंने इस तरह की खोज की कि क्या ऐसा है, लेकिन वहां दिखलाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि जो बात हमारे आगमों में शास्त्रों में है ही नहीं वो व्यवहारिक जीवन में आ कैसे गई। जैसे मैं एक ब्रह्मचारी जी को जानता हूं, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, मेरे मित्र हैं वो, और भी कई लोग इस तरह की चर्चा प्राय करते रहते। वो कहते हैं हमारे सामने बहुत समस्या है। मैं, किस बात की समस्या है? बोले लोग हम पर शक बहुत करते। क्यों? बोले हमेशा हमें ही देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, चारों जब भी हो तो हमारे ही आचरण की तरफ देखते रहते हैं, आपके आचरण की तरफ दिखलाई नहीं देते, वो हमारे आचरण को देखते। तो मैंने कहा इसलिए देखते हैं कि तुमने इस बात की घोषणा की है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तुमने इस बात का उद्घोष किया है सबके सामने और अपने नाम के आगे लिखते हो कि मैं ब्रह्मचारी, इसलिए लोग तुम्हारी तरफ देखते। कई बार वो लोग इस तरह की चर्चा भी करते हैं कि हमारे हमारी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे कई बार इस तरह की बात खड़ी कर दी गई कि जो मैं ब्रह्मचारी हूं तो मैं क्या करूं, मैं स्त्रियों को देखूं कि नहीं देखूं, या स्त्री कोई ब्रह्मचारी है तो वो पुरुषों को देखे कि नहीं देखे। अब दोनों तरफ से बातों को लेनी है, ऐसा नहीं है कि पुरुष स्त्री को देखकर ही मोहित होता है, स्त्रियां भी पुरुषों को देख करके मोहित होती है, सब तरह की बातें होती हैं। तो भले ही हम शास्त्रों में जाएंगे तो हमेशा पुरुषों के लिए ही ब्रह्मचर्य के अधिक उपदेश दिए गए, और वहां पे हमेशा कई जगह तो नारियों की ही निंदा की गई, लेकिन उसको प्रतीक के रूप में समझिए, जो स्थिति पुरुषों के लिए नारियों की है वही नारियों के लिए पुरुषों की भी है, दोनों का एक दूसरे के प्रति जिस तरह के आकर्षण विकर्षण होता है उन पर हमको देखने की आवश्यकता है, इसको दोनों दृष्टि से देखें। तो कहते हैं मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मैं स्त्रियों को देखूं कि ना देखूं, और देखूंगा तो मैं आंखें तो खुली ही रखनी पड़ेंगी, सामने लोग रहेंगे, भीड़ है तो
स्त्रियां तो आएंगी, उनको तो देखना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं जो ब्रह्मचारी है स्त्री देखे तो आंख बंद करो, उसको देखना नहीं, नहीं तो तुम विकृत हो जाओगे। आप देखते होंगे जब बहुत अप्रिय प्रसंग बनते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के, तो तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं आप ऐसे वस्त्री क्यों पहनती हैं कि लोग आपको देखें, आप इस तरह के अश्लील वस्त्र पहनकर सड़कों पर क्यों घूम रही हैं। तो जब इस तरह की बात कहते हैं तो उनकी तरफ से उत्तर आता है कि आप अपनी दृष्टि सुधारिए, हमारे वस्त्र मत सुधारिए। तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप चलते हैं। तो ब्रह्मचारी जी के या साथ ये समस्या है कि वो स्त्रियों को देखें कि ना देखें। अगर आंख खोलकर देखते हैं तो दिक्कत, जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि एक ब्रह्मचारी जी मान लीजिए कार चला रहे हैं, तो कार चलाते समय वो क्या करें, आंखें बंद रखें कि खुली रखें, सामने से कोई लड़की आ रही है तो उसको देखें कि ना देखें। अगर वो देखते हैं तो ब्रह्मचर्य भंग होता है, और नहीं देखते हैं तो उसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो सामने आ रही है, उससे बचने के लिए, उससे उसको बचाने के लिए उसको देखना आवश्यक। तो कहते हैं क्या करें, आप तो कहते हो कि आंख बंद कर लो, शास्त्रों में कहा गया आंख बंद करो, और नहीं देखो तो समस्या, देखो तो समस्या। तो हम उनको एक बात समझाते हैं, आप शास्त्रों के अर्थ समझो, जो हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य समझाया गया उसको समझो, वहां देखने के लिए मना नहीं है। एक ब्रह्मचारी लड़की को देखे कि ना देखे, दोनों ही बातें, एक ब्रह्मचारिणी स्त्री है वो पुरुषों को देखे कि ना देखे, एक ब्रह्मचारी पुरुष है वो स्त्रियों को देखे कि नहीं देखे। तो आप शास्त्रों की बातों को समझिए, उसमें देखने का निषेध नहीं है, उसमें देखते रहने का निषेध। अगर आप कार चला रहे हैं और आप लड़की को नहीं देखते हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर उसको देखते हैं और देखते रहते हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाए। कि जो आपकी निरंतरता है, वो जो आसक्ति है, उसका निषेध है, सामान्य दृष्टि का निषेध नहीं। नहीं तो सारे साधुओं के आंखों में पट्टे बांध दिए जाने चाहिए। क्यों? क्यों? उनकी दृष्टि निर्मल है, वो अंतर्मुखी हैं, वो उनकी दृष्टि विकृत नहीं है। और इस तरह के ब्रह्मचर्य को कभी भी धर्म दर्शन में मान्यता नहीं दी गई, लेकिन हम लोग अजीबोगरीब बातें पैदा करके उसको या तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, या इतना कठोर बना देते हैं कि वो जीवन में उत्पन्न ही ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को आज ब्रह्मचर्य विषय पर चिंतन करते समय एक एक बिंदु देखना पड़ेगा, वो बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विचारणीय है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं विशेषकर आज के हमारे जो युवा मित्र हैं, चाहे वो युवतियां हों चाहे युवक हों, मैं सभी अपने मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी गरिमा हमारे हाथ में होती है, आप किस स्तर के हैं ये आप खुद निर्णय कर लीजिए, आपको किस क्लास में रहना है, आप क्या पहनते हैं आपके क्लास का निर्धारण इससे नहीं होता है, बल्कि आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपके क्लास का निर्धारण होता है। कई लोग इतना घटिया बोलते हैं, इतना घटिया सोचते हैं, उससे ही पता चल जाता है वो किस क्लास के। आपके जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे बात पता चलती है। इसलिए भी आपको एक, मैं बहुत छोटी बात बताता हूं, हमारा एक प्राचीन नाटक है आपने देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत का नाटक, और कालिदास जो बहुत बड़े कवि हुए उनका नाटक है, लगभग सभी लोग उस नाटक से परिचित हैं। उसमें एक दुष्यंत है जो शकुंतला पर मोहित हो जाता है, राजा दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो जाता है। तो उस प्रसंग में मैं एक बात आपको बताता हूं कि जब वो कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास वन में भटकता हुआ पहुंच जाता है किसी शिकार के लिए, और उसके साथ उसका एक शिष्य विदूषक है जो उसका साथी है, राजा का सहयोगी, तो जब
सबसे पहली बार में दुष्यंत शकुंतला को देखता है तो वो पुष्प चुन रही है, पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे कर रही है, और वो इतनी सुंदर है, उसने वर्णन किया है कि वो अपने कानों में और अपने ऊपर गले में उसने पुष्प के ही आभूषण पहन रखे हैं और वो पुष्प चुन रही है, तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि राजा दुष्यंत जब वहां से निकला तो उसकी नजर उस पर पड़ गई, तो वो देखते ही मोहित हो गया और उसके प्रेम में डूब गया एक पहली नजर। जब विदूषक ने देखा कि दुष्यंत तो उस कन्या को देख करके बहुत मोहित हो गया है और परेशान हो गए हैं, वो उसके प्रेम में डूब गए, तो उसने सचेत किया कि दुष्यंत आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ? बोले आप उस कन्या को ऐसे देख रहे हैं, तो बोले मुझे मैं तो उस पर मोहित हो गया। तो बोले आपने बहुत बड़ा पाप किया है। क्यों? बोले आपको पता नहीं वो ऋषि कन्या है, कर्ण ऋषि का आश्रम पास में है और वहां की कन्याएं यहां पुष्प चुनने का काम कर रही है, तो ये इतना बड़ा अपराध आपने कैसे कर दिया? आप राजा हैं और एक ऋषि कन्या को आप देख रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो आपको मालूम है दुष्यंत ने क्या कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम जरा पता लगाओ, जरा खोजबीन करो कि कन्या आखिर है कौन। उसके वस्त्र विन्यास से तो लग रहा है कि वो ऋषि कन्या है, लेकिन पता लगाओ। चलिए इसमें पता क्या लगाना है? बोले नहीं पता लगाओ, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं महान हूं, और महान पुरुषों का मन धोखे से भी अस्थान पर नहीं जाता, गलत जगह पे गलती से भी मेरा मन नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उच्च कुल का हूं, मैं महान व्यक्ति हूं। आप सोचिए दुष्यंत का ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? उसके चरित्र से आता है। एक तो मैं जानबूझकर इस तरह के प्रसंग उपस्थित कर ही नहीं सकता, लेकिन यदि अनायास ही मेरा इस कन्या पर दिल आया है, मैं मोहित हुआ हूं, तो निश्चित ही ये कन्या कोई हमारे ही वंश या कुल की होगी या हमारे ही उसकी होगी, वो एक ऋषि कन्या नहीं हो सकती। तो उसने पता लगाया, तो कर्ण ऋषि के घर पर जब उनके आश्रम पर उसने पता लगाया, तो पता चला कि वास्तव में वो ऋषि कन्या नहीं है, वो भी किसी क्षत्रिय कुल की कन्या है जो उनके आश्रम में रहने लग गई। तो आप इस बात से क्या अंदाजा लगाते हैं? मैं अभी आपने सभी युवा मित्रों को, सभी युवा साथियों को ये बात पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्तर का ध्यान रखिए कि आपका गलती से भी मन जाए तो खराब स्थान पर ना जाए। और हम इतने हल्के और इतने छिछोरे नहीं हो सकते कि इन छोटी छोटी चीजों में अपना दिमाग खराब करते हैं। कितने आप जब बड़े बड़े लोगों के चरित्र को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में दिखलाई देते हैं। विवेकानंद का प्रसंग अगर कभी आपने देखा हो, तो स्वामी विवेकानंद जो अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित थे, उनसे कन्या बार बार आकर के प्रणय निवेदन करती थी, तो उसको कहते थे माते, उसको माता कहकर पुकारते थे, तो बड़ी क्रोधित हो जाती थी कि तुम कैसे व्यक्ति। उसने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मैं अब्रह्म उसको कहना चाहता हूं जो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट है। जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है जीवन का, अब देखिएगा यदि आप उस अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो ये भी अब्रह्म है। अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होकर लगे रहना, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य। और इससे जो आपके अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आता है, वो ऐसे नहीं आता। आपने रामायण की कहानियां सुनी है, लेकिन एक ऐसा प्रसंग आपको बताता हूं जिसपे आपकी कभी दृष्टि भी नहीं गई हो। रामायण में आपने देखा होगा सीता की अग्नि परीक्षा की गई कि कहीं ये चरित्र से दूषित तो नहीं हो गई, क्योंकि रावण के घर रहकर आई और रावण बड़ा बुरा आदमी, ऐसा प्रसंग दिखलाया गया। तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता उत्तीर्ण हो गई। अग्नि परीक्षा का अर्थ समझते हैं, आग में बिठा दिया गया। जो खुद कभी आग में नहीं बैठता, उसने दूसरे को आग में बिठा दिया,
वो कह सकती थी राम से कि पहले आप आग में बैठ के दिखाओ, जब मैं दूर हो गई तो आप भी तो मुझसे दूर थे, जंगल में अकेले घूम रहे थे, अग्नि परीक्षा तो आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने सतीत्व की परीक्षा की। अब आपको क्या लगता है सीता उत्तीर्ण हो गई? किस बात से उत्तीर्ण हो गई? उसका चरित्र अच्छा था। शील के बारे में ये बात समझाई जाती कि वो पर पुरुष के घर में रह करके भी पर पुरुष का स्पर्श उसने नहीं किया था। सीता उत्तीर्ण हो गई, लेकिन एक बात आप जरा दृष्टि पर देखना, लोग रावण की बहुत बुराई करते हैं, रावण को बहुत खराब बताते हैं, लेकिन आप इस बात पे विचार करना कि वो अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता की नहीं हुई थी, वो रावण की भी हुई थी। उसमें सिर्फ सीता पास नहीं हुई थी, उसमें रावण भी पास हुआ था। जब रावण की हम इतनी निंदा करते हैं तो आप देखिएगा, रावण सीता पर मोहित होकर के उसको किडनैप नहीं किया था उसने, कि वो उसका दीवाना हो गया था, इसलिए वो एक पॉलिटिकल मामला था, वो राजनीति के तहत उसने उसको हरण किया था और वो ले गया और अपने यहां वाटिका में उसको रखा सीता को, और ये नियम लिया कि जब तक सीता स्वयं तैयार नहीं होगी तब तक मैं उसको स्पर्श नहीं करूं। उसने सीता का स्पर्श नहीं किया, उसको सम्मान के साथ वहां पर रखा। तो रावण से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज की दृष्टि रखें। हमारा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है, आप इस बात को गंभीरता से सोचिए। आज जिस तरह की उच्छृंखलता चल रही है उस पर भी मैं उस बिंदु पर भी विचार करूंगा। आप देखिए हमारा इतिहास किस तरह से बड़ा है। आपने राजस्थान के जौहर का इतिहास सुना होगा, जब मुगलों ने आक्रमण कर दिया तो हमारी जो वीरांगनाएं थी, रानियां थी, राजपूतों की रानियां थी, उनको पता चला कि अब मुगल जो है हमारे महल में दाखिल हो गए हैं, हमको बचने का कोई उपाय नहीं। आपने पद्मावती का नाम सुना होगा, बोले नहीं हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन उनके हाथ में जाना पसंद नहीं करेंगे, उनके हाथ से अपना शील भंग नहीं होने देंगे। आप देखिए हमारे भारतीय संस्कृति का इतिहास कि व्यक्ति अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी लेकिन पर पुरुष से स्पर्श कि वो आएंगे और हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, ये हमको स्वीकार नहीं। इस ऐसे इतिहास से भारत का इतिहास भरा पड़ा, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता। आज छोटी छोटी बातों, आपने देखे होंगे कितने अप्रिय प्रसंग बनते हैं और बड़े घटिया तरह की और गिरे हुए स्तर की बातें हो रही हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आप देखिए मेट्रो सिटीज में एक नया कल्चर डेवलप हुआ है जो जिसको कहना चाहिए कि अनाचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जिसमें एक लड़के और लड़की हैं वो बिना विवाह के साथ में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हम बंधन में नहीं बंधेंगे, हम साथ में रहेंगे, यानी हम पहले देखेंगे कि हम एक दूसरे के लायक हैं कि नहीं, प्रयोग करके देखेंगे। ये क्या है, इसको आप मॉडर्निटी बोलते हैं? ये तो घटियापन और पिछड़ापन है। आप कहते हैं नई जनरेशन का नया तरीका, ये नया नया तरीका नहीं है, ना वेस्टर्न से आया है। आपको बताता हूं भारत में इसका इतिहास, पहले भी बिना विवाह के लोग लड़कियों को रख लिया करते थे और साथ में रहते थे, बिना विवाह के रहते थे, लेकिन उसको रखेल कहा जाता था और उनकी समाज में इज्जत नहीं होती थी। और इस तरह के जो प्रसंग बनते हैं उसमें देखा होगा आपने अनेक घटनाएं, आज अखबार खोलेंगे तो आपको पुराना इंटरनेट पे देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे को कैसे चक्कुओं से काट काट करके फेंका है। इस प्रेम को आप प्रेम समझते हैं? और जब इस तरह के दुष्परिणाम भोगते हैं तब याद आती है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति का कल्चर है, विवाह का कल्चर है, जहां उन्मुक्त भोग की समस्या पर चर्चा की जा रही है, संयमित भोग को कहीं मना नहीं किया गया। एक हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है, मर्यादाएं होती है, और उनके भी आहारे निहारे च ऐसा कहा जाता है कि यदि आप आहार कर रहे हैं और किसी तरह का भोग कर रहे हैं तो आप उसको पर्दे में रखिए, सार्वजनिक रूप से प्रकट मत करिए, उसकी मर्यादा है। लेकिन उस मर्यादा को भी हमने तिरस्कृत कर दिया है। वर्तमान की हमारे जो युवा मित्र हैं इस चीज को समझ रहे हैं
चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ये जो शिक्षा के केंद्र हैं, ये मजनुओं के अड्डे बना दिए गए। यहाँ पर अध्ययन के लिए कम आते हैं, इश्कबाजी के लिए लोग ज्यादा आते हैं। माने उद्देश्य ज्ञान का नहीं है, उद्देश्य है कि हमारा मेल जोल बढ़ेगा, हम वहां इसलिए जा रहे हैं। और इस तरह की विकृतियां अंततोगत्तो आपके कैरियर को खत्म कर देती हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक गए और कुछ नहीं। विवाह सबका होता है, समाज में विवाह की स्वीकृति दी गई है, और ऐसा नहीं है, पहले स्वयंवर हुआ करते थे, महिला को लड़की को ही अधिकार होता था कि वो अपना वर चुन ले, किसको अपना वर चुन रही है। पुरुषों को भी अधिकार होता था कि वो अपने लिए अपने योग्य कन्या को चुन ले जिससे उसका विवाह होना है, और ये भी कहा जाता था कि वो साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे यौन क्रियाएं भी करेंगे लेकिन संयमित होकर के, और उसके साथ वो उद्देश्य, उसका पावन उद्देश्य क्या होता था कि पावन उद्देश्य उसका ये है कि हमको अपने वंश की वृद्धि करनी है, संतान उत्पत्ति करनी है, और इसके बाद धर्म मार्ग पर चलना है। गृहस्थ को धर्म करने के लिए स्वपत्नी संतोष व्रत का नियम दिलाया गया कि आप रहिए, विवाह करिए, मैथुन आदि क्रियाएं करिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है, और आप रहिए। ये सब करते हुए, समाज और धर्म का, नियमों का सब पालन करते हुए अपनी जीवन को आगे बढ़ाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन एक मोक्ष मार्ग की आधारशिला है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है। और हमारे यहाँ कभी इस बात को नहीं कहा गया कि आचार्य बादीप सिंह सूरी हुए हैं, जिन्होंने छत्र चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, संसारोपी सारह स्यात् दाम्पत्यो रेक कंठयो। कह रहे हैं यदि पति पत्नी एक मना है, एक जैसे हैं, एक एक जैसे विचारधारा के हैं, तो संसार करना भी धन्य है। अब देखिए इस तरह की बात कही गई कि पति पत्नी होते हैं, और आपको एक बात विशेष बताता हूं, आपने विचार किया होगा इस पे, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो पत्नी होती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की वृद्धि के लिए पत्नी बनी है, वो घर में आकर के धर्म की वृद्धि करती है, संस्कारों की वृद्धि करती है, ये उसका उद्देश्य होता है। एक कुल परंपरा में जीती है, और हमारे कुल की मर्यादा को वो सुरक्षित रखती है। कोई कहेगा कि सारी जिम्मेदारी स्त्रियों की क्यों कर दी गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। घर में माँ बहन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनके माध्यम से घरों में मर्यादाएं टिकी हुई है, इनके आधार पर पूरे घर की धुरी टिकी हुई है। ये हमारे घर में संस्कार पुरुषों के कारण नहीं चल रहे हैं, ये महिलाओं के कारण, स्त्रियों के कारण चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार के जितने भी रिश्ते हैं उसमें अगर आप धर्म शब्द लगा दें तो रिश्ता नकली हो जाता है। जैसे कोई मेरी बहन है, मैं कह दूं मेरी धर्म बहन है, तो समझ जाएंगे असली बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है, ये धर्म बहन है, यानी नकली है, इन्होंने मान लिया है। मैं कहूं ये मेरे धर्म भाई है, इसका अर्थ है कि मेरे सगे नहीं है, मैं इनसे भाई की तरह प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे धर्म भाई। लेकिन पत्नी को असली तभी बोला जाता है जब उसके साथ धर्म शब्द लग जाता है, ये धर्म पत्नी है, नहीं असली तभी है, क्योंकि धर्म पूर्वक जिसको हमने ग्रहण किया है और उनके पिताजी ने कन्या का दान किया है और हमने उसको स्वीकार किया है, ये एक हमारी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो इस चीज की प्रेरणा देती है। चाहे उच्छृंखलता हो, चाहे अश्लीलपन हो, चाहे फूहड़पन हो, ये एक गिरे हुए व्यक्तित्व की निशानी। लोगों ने इसको पुरुषार्थ समझ लिया है, आसपास का माहौल ऐसा बना दिया है कि जो जितना अधिक कामुक होगा वो उतने ही अधिक पुरुषार्थी होगा, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। कामुकता एक पागलपन है, एक मानसिक विकृति है, वो मानसिक विकृति के स्तर पर कहूं कि तो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। कई बार मुझे कई लोगों को देखकर ये लगता है कि तो पागल हो गए और इनको तो किसी इलाज की आवश्यकता है, ये सामान्य नहीं है। इस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको विचार करना पड़ता है कि आखिर हमारा स्वभाव क्या है, क्या अब्रह्म हमारा स्वभाव है, क्या सेक्स हमारा स्वभाव है? नहीं, वो एक लिमिटेशंस के तहत ठीक है, लेकिन हमारा इन सब
इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसको हम देखेंगे तो सब नियंत्रित है। या तो हम इंद्रियों में रहेंगे या तो इंद्रिय में रहेंगे। तो जब इंद्रियां हम संयमित करेंगे, अभी तक इतने हमने जो व्याख्यान सुने हैं उनमें चारों तरफ चर्चा क्या थी कि हम अपने क्रोध मान माया लोभ को समझें, उस पर कंट्रोल करें, संयम और तप करें, और इन सबका सार यानी फाइनल डेस्टिनेशन है ब्रह्मचर्य। हम अपनी आत्मा में रमण करें, और यही व्यक्ति का एक पावन उद्देश्य हो सकता है। और मैं आज की अपनी युवा पीढ़ी को भी इस बात के लिए आगाज करना चाहता हूं कि आप खुलकर इस पर बातचीत करें। आप इस पे, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। आज होमोसेक्सुअलिटी की बात चलती है, लोग उसकी बात करते हैं, पुरुष पुरुष विवाह कर रहे हैं, ये विकृतियां हैं। स्त्रियां स्त्रियां कह रही हम आपस में विवाह करें, तो किस लिए, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? विवाह का कोई उद्देश्य होता है? आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सेक्सुअलिटी ही उद्देश्य है आपका? इसका मतलब व्यभिचार है। सीधी सी बात, परिवार की श्रृंखला को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, धर्म को आगे बढ़ाना, ये सब उद्देश्य होते हैं विवाह। और विवाह की कभी भी निंदा नहीं की गई हमारे सामाजिक शास्त्र, लेकिन उसकी एक पद्धति बतलाई गई है। और वास्तव में जो शाश्वत मार्ग होता है वही शाश्वत मार्ग होता है, उसी से हम सुख का रास्ता प्राप्त करते हैं। और जिसने ऐसा किया है उसने उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि समय हो गया है बहुत, और कई चिंताएं हम लोगों के मन में है, सबके मन में, हमको पता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी श्रृंखला की आवश्यकता है। कभी हम विस्तार से समय मिला तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं बस एक दो बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगभग आज के टॉपिक तो पूरे हो ही गए हैं। एक ही आज का सूत्र है कि हमको कषायों को दबाना भी नहीं है और कषायों से दबना भी नहीं है। अगर हम दबने लग जाएंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, और दबाने लग जाएंगे तो भी। हमको कषायों का अभाव करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य रहेगा तो हम एक पवित्र ब्रह्मचर्य को समझने में सफल हो पाए। आपने सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमारी पूरी श्रृंखला के तहत मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रृंखला में यदि कभी जाने अनजाने में मुझसे कोई यदि अपराध हो गया हो, बोलने में किसी को वाणी सुनकर के किसी तरह का कष्ट की प्रतीति हुई हो तो, और दिल दुखा हो, तो इसके लिए मैं आप सभी से मिच्छा मिदु किडम कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। थैंक यू सो मच अनेकांत सर। अगेन बहुत आज का बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर रहा आज हमने आपकी आपके द्वारा सुना। जैसे आपने शुरुआत में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी दोनों को जैसे डिफाइन किया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि सेल्फ को रियलाइज करना जो करता है वो ब्रह्मचारी है, और परमात्मा की तरह जो रहता है उसका रहना ब्रह्मचर्य का के जैसे रहना है। दिस टू थिंग्स आर वेरी सिंपल बट येट यही है सार, आई थिंक दिस इज व्हाट आई टेक अवे। और कषायों का अभाव, ये आपने आज सूत्र दिया। जैन फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिनों तक आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और ऐसा अमूल्य स्वाध्याय कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 मिनट का वक्त लूंगी, अगर दर्शकों में किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको अजीत कुमार जैन जी ने कोल्हापुर से बहुत बहुत नमन भेजा है सर, वो मुझे डायरेक्टली आया है। गुरुवर को बहुत बहुत प्रणाम। और क्वेश्चन ये है सुलेखा जैन जी का कि अत्युत्तम एवं प्रभाविक ब्रह्मचर्य से विषय एक प्रश्न, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको पूछूं, बट दिस इज हाउ इट इज रिटन। अत्युत्तम एवं प्रभाविक ब्रह्मचर्य से विषय एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क। ये मुझे दिख सकता है कि क्वेश्चन? जी 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 सर, जी सर, मैं आपको भेज रही हूँ। उन्होंने संस्कृत में पूछा है। जी जी एक ब्रह्मचर्य से प्रश्न पृच्छतु भवान स्मिता, ये इन्होंने सुलेखा जैन जी ने पूछा है। हाँ सुलेखा जी प्रश्न पूछिए आप, आपने एक प्रश्न।
आपने तो व्याख्यान की प्रशंसा की है, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न आपने लिखा है लेकिन पूछा नहीं है। जी अच्छा, ये मीनवाइल मैं एक प्रश्न ये ले रही हूँ कि ब्रह्म में रमण कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म देखिए दो तरह की बात है, एक इंद्री जन्य अवस्था है, एक अतींद्री जन्य अवस्था। हम ब्रह्म शब्द को कह रहे हैं अतींद्रिय से, जब इंद्रियों से परे की बात होती है। तो ब्रह्म में चरण तब होगा जब हम इंद्रियों के व्यापार को समेट लें। दो ही जगह हम रह सकते हैं, या तो हम इंद्रियों में रहेंगे या अतींद्रिय में रहेंगे। जो इंद्री में है वो अतींद्री में लीन नहीं है, जो अतींद्री में लीन है वो इंद्री में लीन नहीं। तो जब हम इंद्री के व्यापार को समेट करके अपनी अनुभूति को सेल्फ रियलाइजेशन के स्थिति में आएंगे तो वो ब्रह्मचर्य कहलाए, उसमें ब्रह्म का अनुभव होता है। सर ये जो इंद्रियां हैं यहाँ पे, पांचों इंद्रियों के लिए आप ये एप्लीकेबल है? तो जी, हाँ, तो रेडमी से ये प्रश्न आया है कि कोई भी इंद्रिय के लिए ब्रह्मचर्य एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन है। चलिए अच्छा किया, ये पॉइंट मेरा थोड़ा छूट भी गया था, इसलिए मैं क्या है कि हम जब ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ लोग इस पे स्पर्श इंद्री की तरफ ही ध्यान जाता है कि स्पर्श इंद्री का विषय है और उससे विरक्ति लेनी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम अपनी चक्षु इंद्री से विषय भोग कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, या आंखों को बहुत कामना कर रही आंखें देखने की, तरह तरह के सौंदर्य को तरह तरह रमण करने की इच्छा है आंखों से, तो वो चक्षु इंद्री का अब्रह्म है। कर्णेन्द्री का जो विषय है उसमें हमको तरह तरह के सुंदर संगीत, कर्णप्रिय संगीत सुनने की भाव आ रहा है, तो वो भी कर्णेन्द्री का अब्रह्म है। हमको भोजन में, रसना इंद्री में हमको तरह तरह के स्वाद लेने की भावना है, हम बहुत बहुत तरह के भोजन करना चाहते हैं, तो ये हमारा चक्षु इंद्रिय संबंधी अभ्रम है। इसी तरह सारी इंद्रियों के जो विषय हैं, घ्राण इंद्रिय है, हम तरह तरह के परफ्यूम पसंद करते हैं, हमको लगता है ये गंध अच्छी नहीं, वो गंध अच्छी नहीं, हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो इसमें इसका मतलब है हमारा सारा जो दिमाग है, हमारा सारी बुद्धि है, वो इन इंद्रियों के सेवन में लगी हुई। इसमें जितनी चिंता हम करते हैं उतनी कभी आत्मा की चिंता करते हैं, कभी अपनी विशुद्धि की चर्चा करते हैं, नहीं करते। तो सिर्फ स्पर्श इंद्रिय से संबंध नहीं है, इस सभी तरह की इंद्रियां अब्रह्म को ही दर्शाती है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने विवाह नहीं किया, ठीक है सही बात है उसने विवाह नहीं किया, उसके साथ कोई स्त्री नहीं है, और कोई स्त्री कहे मैंने विवाह नहीं किया, उसके साथ कोई पुरुष नहीं है, लेकिन आप देखें यदि वो बहुत सज संवर रहे हैं और बहुत क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, या परफ्यूम लगा रहे हैं, और उनकी जो जिंदगी है बहुत अय्याशी की जिंदगी है, तो कोई उनको ब्रह्मचारी नहीं मानेगा, क्योंकि वो पंचेंद्री के विषय भोगों में सिर्फ विवाह नहीं किया, बस इतना ही किया और क्या किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म में ली, इसका मतलब है कि वो पंचेंद्री के विषय भोगों में लीन है, सिर्फ मात्र उनके साथ कोई है नहीं, बस इतना ही अंतर है और क्या है। जी, एक और प्रश्न मैंने भेजा, वो उपवास भी ब्रह्मचर्य है या नहीं इस जी पे? देखिए, उपवास दरअसल ब्रह्मचर्य से जस्ट पहले की अवस्था है। उपवास का अर्थ होता है उप अर्थात होता है समीप, और वास माने रहना, यानी अपने आत्मा के समीप रहना। जो हम भोजन उपवास में क्या करते हैं कि जो हम स्वाद के प्रति जो हमारी मूर्छा है, आसक्ति है, हमारी जो खाने पीने के प्रति जो आसक्ति है, उसका त्याग करके हम रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करते और आत्मा के पास रहने का प्रयास करते, तो दरअसल हम ब्रह्मचर्य की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। आप समझो हमने जो 10 धर्मों की चर्चा की है क्रम से, वो हम ब्रह्मचर्य की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे पहले दिन से, तो आज हम वहां तक पहुंच गए, वो क्रम था एक हमारा, और जब ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया तो आप समझ लीजिए संपूर्ण धर्म आत्मा का प्रकट हो गया, क्योंकि हम आत्मा में रमण करने लगे, यही हमारा पर्पस था।
हम अपनी शुद्धात्मा में रमण करने लगे, ये सबसे बड़ा हमारा पर उद्देश्य यही था। इसीलिए हमने संयम किया था, इसीलिए तप किया था, इसीलिए चारों कषायों का अभाव किया था, पूरा पर्पज हमारा सॉल्व। तो उपवास हमको ब्रह्मचर्य साधने में सहायक बनता है, हमको आत्मा के समीप ले जाता है। जी जी गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सुलेख जैन बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जो है प्रणव सागर महाराज का प्रवचन सुना था कल अकिंचन धर्म के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो 10 धर्म है या 10 धर्म के जो जो धर्म के 10 लक्षण है, उसमें जो प्रथम 8 लक्षण है वो तो श्रावकों के लिए है, बाकी अकिंचन और ब्रह्मचर्य जो व्रत है उनका श्रावकों से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक मुनि धर्म नहीं पालन करोगे उनसे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके विषय में आपका सुझाव विचार क्या है? देखिए, मैं आगम के अनुसार ये बात बता रहा हूं आपको। नहीं, उनमें वो भी तो आगम की बात करते हैं ना, मुनि महाराज ठीक है है, या आप मुनि महाराज जी की बात कर रहे हैं, पहले मैं उनकी बात को सुनूंगा, उन्होंने क्या कहा है, तब मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। क्या उन्होंने आप, दी। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, अभी तो मुझे नहीं मालूम है ना। तो आप मुझे जब उनका पहले प्रसंग पूरा सुनाना, लेकिन हाँ जो हाँ आपने बात कही है उसके जी अनुसार मैं ये कहता हूं कि मुनि राजाओं के 28 मूल गुण शास्त्रों में गिनाए गए हैं जी और उत्तर गुण भी गिनाए गए हैं। तो उत्तर गुणों में ये 10 धर्म आते हैं। जी वास्तविकता है कि ये 10ों धर्म मूल रूप से मुनि धर्म है। ये जी 10ों ठीक उत्तम से 10 है। माने ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे आप महाव्रत और अणुव्रत के भेद करते हैं, तो दस जी धर्म की उपासना कौन कर रहा है, अधिकांश श्रावक कर रहे हैं। तो वो किस अंशों में अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। स्वरूप तो समझ ही सकते हैं श्रावक भी, उसका वास्तविक स्वरूप। और फिर जब एप्लीकेशन की बात आती है, उसको अप्लाई करने की बात आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका एक देश पालन कर लेते। मान ली ब्रह्मचर्य तो वास्तव में मुनिराज को ही होता है जो पूर्ण रूप से, और सबसे परम ब्रह्मचारी तो जो परमात्मा है वो है, सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी। लेकिन गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी है कि वो स्वपत्नी संतोष व्रत रखता है, अणुव्रत का पालन करता है। तो इस दृष्टि से ये 10ों धर्म, अब क्रोध है, क्रोध का अभाव पूर्ण रूप से तो मुनिराजों में होता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम उसको संयमित करते हैं। तो आप समझ लो कि हमारे गृहस्थों के जीवन में 10 धर्म उपचार से प्रकट होते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, एक देश रूप से प्रकट होते हैं। जी सुलेख जैन जी, आप कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करना होगा। हाँ, जी कर लिया मैंने। जी उन्होंने ये कहा कि अकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म का जो आनंद है, आत्मिक आनंद है, वो केवल मुनियों को ही ले सकते हैं, बाकी गृहस्थों में जो थोड़ा बहुत होता है, बाकी जो वो समझते हैं। क्षमा धर्म भी श्रावकों का है, माधव आर्जव सत्य धर्म वो सब मुनियों का भी है, लेकिन वो जो मैंने है आपसे कहा ना, श्रावक भी आधा थोड़ा। आधा मत करिए, 10ों धर्म पूर्ण रूप से मुनि के हैं, पहली हाँ तो ये। जी और 10ों धर्मों का आंशिक पालन या आंशिक आनंद हमारे हाँ, साथ ले सकते श्राव को लिख सकते हैं। हैं, बस। अब उसमें चलो आप 10 में 8 और 9 10 मत करिए, वो 10ों के लिए एक बात। ठीक है, 10ों के लिए मान लीजिए। तो उनका कहना है कि आत्मिक आनंद के लिए तो आपको दीक्षा लेकर धर्म जो मुनि धर्म पालन करोगे तभी मिलेगा, सही वरना बात, नहीं। सही बस बात, बस बस यही पूछ रहा था, सही बात है। वो तो जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। पूर्ण आनंद यही उन्होंने कहा था। बस बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद दोस्त, ठीक है जी, थैंक बहुत अच्छा लगा गुरु जी, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। यू, थैंक यू सुलेख सर ऑल्सो, आपका प्रश्न भी बहुत सही थैंक था। और यू थैंक यू। क्या, तो अभी आज यहाँ पे अब हम हमारे 10 लक्षण महापर्व के इस लेक्चर सीरीज को आज यहाँ विराम देंगे, अंतिम विराम। फिर से निकांत सर, आपका जैन फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिनों तक अगेन बहुमूल्य समय था, और समय भी हमने कुछ चुना ऐसा कि जिससे कि दर्शक जुड़े, और तो ये इसकी वजह से आपको काफी एफर्ट लेना हुआ रहा होगा, और दर्शकों ने भी काफी एफर्ट लिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारी सभी दर्शकों, स्वाध्यायियों की तरफ से आपको धन्यवाद।
कि आप उनको, उन सभी को आपकी वाणी से इस 10 दिनों तक लाभ मिला, बट इसके साथ ही जो भी जहां भी आपकी वाणी को सुनेंगे आप वीडियोस के द्वारा, ये जरूर जरूर आपकी अनुमोदना करेंगे, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। सो इन 10 दिनों में हमने व्यावहारिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक तीनों दिशा में आपने हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि कैसे इसमें उन्नति करें और इसको समझाया। तो आशा है कि हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में रूपांतरित कर पाएंगे और 10 लक्षण के 10 धर्म, धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनको हम जीवन में उतार पाएंगे। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ सर, मैं आज के हमारे अंतिम लेक्चर को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वंस अगेन, एंड मन वचन काया और हृदय की गहराइयों से बार बार क्षमा याचना, अगर कुछ गलती हो गई हो हमारी तरफ से, मेरे पूरे जैन फाउंडेशन की तरफ से, तो मिक्षामि दुक्कड़म। मैडम, मैं जैन जैन फाउंडेशन को एक बात बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। सर, जो मैं आज बोल रहा हूँ ये गुरुजी का ही प्रताप है। गुरुजी ने मेरे को आचार्य किराया है। आचार्य का 2 साल का जैन दर्शन में आचार्य का मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, और गुरुजी ने मुझे अच्छा, बहुत आशीर्वाद रहा। ये सो नाइस, सो नाइस, जैन फाउंडेशन को ये चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत कंग्रेचुलेशंस। ऑफ कोर्स हम लोग भी थैंक यू। लास्ट 2 साल से, हमारा सौभाग्य रहा है कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, 10 लक्षण का ये पढ़ा रहे हैं, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी अभिलाषा के साथ। मैं जी आपके सभी से बहुत अनुमति लूंगी आज के सेशन को विराम देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद मैम। जय जिने।